इंडिया पर सीतापुर जिला चिकित्सालय से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां मरीज के तीमारदारों पर अस्पताल कर्मियों से मारपीट करने की जानकारी मिल रही है। मौके पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश, बताइए क्या पूरा मामला है, जिला अस्पताल में किसने अस्पताल कर्मियों से मारपीट की है? जी प्रियंशु, आपको बता दें, ये सीतापुर जिला अस्पताल का मामला है, जहां बताया जा रहा है कि आज रात करीब 9:15 के आसपास एक शख्स जिसका नाम अनूप त्रिपाठी बताया जा रहा है, और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि यह खैराबाद इलाके में जिला पंचायत सदस्य हैं, इनके द्वारा एक एक्सीडेंटल केस लेकर के जो है हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, बताया जाता है। इसी दौरान वहाँ के जो वार्ड बॉय और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनसे उनकी कुछ बातचीत होती है, और बातचीत में जो वहाँ पे कर्मचारी पुनीत और कामरान, बातचीत बढ़ जाती है और उनसे उनका झगड़ा हो जाता है। प्रियांशु जी, आपको बता दें, काफी अफरा तफरी का माहौल हॉस्पिटल में मच जाता है, और जब यह खबर हॉस्पिटल के शीर्ष अधिकारियों को, डॉक्टरों को पता लगती है, तो 10 से 15-20 मिनट तक जो है इमरजेंसी हॉस्पिटल की बंद कर दी जाती है हॉस्पिटल के कर्मचारियों के दौरान। इसमें आरोप ये लगाया जाता है कि आए दिन कोई ना कोई जो है अस्पताल कर्मचारियों से झगड़ा करता है। आनन फानन इसकी सूचना जिला प्रशासन और शीर्ष अफसरों को मिलती है, तो आपको बता दें, जैसे ही अधिकारियों को सूचना मिलती है तो ADM नीतीश कुमार और आपको बता दें SP चक्रेश मिश्रा और इनके साथ में सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी भी मौके पर पहुंचते हैं। प्रियांशु जी, आपको बता दें, मामले में जो अस्पताल के CMS हैं डॉक्टर इंदर सिंह, उनका बयान आया है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वह सुनवाते हैं। डॉक्टर इंदर सिंह, CMS जिला चिकित्सालय सीतापुर, और यहाँ पे हमारे जिला चिकित्सालय सीतापुर में हमारी टीम काम कर रही थी, जिसमें EMO डॉक्टर संजय कुमार ड्यूटी कर रहे थे, उनके साथ मेरा पैरामेडिकल स्टाफ और फर्स्ट क्लास ड्यूटी कर रहा था। और अभी लगभग रात में लगभग 7:15 एक ब्रॉड डेड यहाँ पेशेंट लाया गया था, जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको लाया गया था, उसकी जांच की गई, वो मतलब मृत था। उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में तो मर्चरी में शिफ्ट कराया गया, और उसकी पुलिस इन्फॉर्मेशन थाने को भेज दी गई, और उनके परिजन जो थे कुछ एग्रेसिव टाइप के थे, जो हमारे कर्मचारी थे जो बॉडी को शिफ्ट करा रहे थे, उनको पकड़ के बहुत मारा पीटा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ब्रॉड डेड लाया जाता है या कोई एक्सीडेंट पर्सन होता है, उसकी बॉडी को दिखाया जाता है, परंतु वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे और उनके काम में बाधा पहुँचा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मारपीट करी थी। और हमारे कर्मचारी बिल्कुल एक्सीडेंट निर्दोष हैं, और हम तो शासन प्रशासन से कहते हैं कि हमारे कर्मचारी ताकि सुचारू रूप से काम करते रहें, इसलिए इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, और जो भी ऐसी कोई कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए बंद कर दीजिए, हम लोग विषम परिस्थितियों में, क्योंकि मेरा जो हॉस्पिटल लगभग 140 साल पुराना है, और यहाँ बहुत भीड़ रहती है, और यहाँ पर लगभग 200 से लेकर 400 मरीज हमेशा भर्ती रहता है, और क्योंकि विषम परिस्थिति में हमारे कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनसे कोई मारपीट करेगा तो वो लोग अपना काम बंद कर सकते हैं। रोज जताना जरूरी है ताकि शासन प्रशासन मतलब हम लोग अस्पताल के स्टाफ की मदद करें, ताकि सभी हम लोग सबकी सेवा हम लोग नहीं, पुलिस की कार्रवाई हुई है, जैसे सूचना पुलिस को 112 पे दी गई, वैसे तत्काल पुलिस आई थी और उनको पकड़ करके उनको अरेस्ट करी है, और कोतवाली ले गई थी, उनके बाद कार्रवाई हो रही है, और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करी है। तो जैसा प्रियांशु जी आप देख रहे हैं, जो अस्पताल के CMS डॉक्टर इंदर सिंह हैं, वह आरोप लगा रहे हैं कि जो वहां अस्पताल के कर्मचारी हैं, जिनका नाम पुनीत और कामरान बताया जा रहा है, हमारे पास उनके भी बयान हैं, ये पुनीत और कामरान के, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाएंगे। हम बॉडी लेके जा रहे थे यहाँ, और दो लोग आए पीछे से, दो लोग आए साथ में जा रहे थे पीछे, वो मेरे को पकड़ के खींचने लगे, गाली पकड़ी करने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे। तो हमने बोला कि भैया गाली क्यों दे रहे, तो वो तुरंत मारने लगे, मेरा गला दबा दिया। फिर ये
ये भाई मेरे साथ में था, इसने बोला कि भाई मार क्यों रहे, तो मेरे को छोड़ा तो इसको भी मारने लगे। जब मैं किसी तरह से भागा वहाँ से, चौकी में आया, सिपाही से बोला कि सर वहाँ पर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा था, वो हमारे साथ में गए। वो किस लिए आपसे? वो बॉडी ले जाना चाहते थे, बॉडी जो है ज़बरदस्ती ले जाना चाहते थे। अच्छा, ये कितने बजे की घटना? अभी करीब वही 8:15 के बीच की बात। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई इसकी कार्रवाई के लिए किसी को बताया आपने? जी बताया कि आप पूरे शहर में हलचल हो चुकी है। अच्छा जी, को बताया। क्या नाम है आपका? कामराज। आप यहाँ पर किस पोस्ट पे हैं? सिपर हैं। हम जो लोग थे बॉडी में यार नहीं था हमारे साथ, वो उनके साथ ही दो आए, दोनों लोग आए वहाँ पर गाली पकड़ी करने लगे और हमको मारने लगे। मेरा गला दाती आई थी। इसने भाई ने बोला कि क्यों मार रहे हो, मुझको छोड़ के इसको मारे। जिस तरह से हम उसको छोड़ी तो हम किसी तरह से भाग के चौकी में आए। तब चौकी से उनके सर से बताया, सर को लेके गए, उन्होंने भी देखा उसकी बदतमीजी की, किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। विवाद किस चीज़ को लेकर किया? किस लिए वो लोग विवाद कर रहे थे? वो बॉडी के लिए, बॉडी ले जाने के लिए, ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे। अच्छा, कितने लोग थे? मारा कितने लोगों ने? मारा तो दो लोग मारा, पर ये देखिए गला दाब दिया था। क्या नाम है आपका? कामराज। ये क्या मामला था? हम दो लोग बॉडी बंद करने जा रहे थे, तो वहाँ पे ये लोग झगड़ा करने लगे, तो उनको मारने लगे, तो हमने पूछा क्यों भाई मार रहे हो इनको, तो हमको मारने लगे, गला दाब दिया, ये फाड़ दिया, लात मारा पेट में। अभी हम ऑपरेशन कराए थे, तो हमको कौन लोग थे और क्यों विवाद किया? वो लोग एक एक्सपायर हो गए थे, तो उनको लेके यहाँ आए थे, हम लोग वहाँ जा रहे थे बंद कराने के लिए, वो कह रहे थे बंद नहीं कराएंगे हम। फिर क्या हुआ सामने? तब वहीं पर झगड़ा होने लगा ये। अच्छा, तो हमने कहा कि क्यों भाई मार रहे हो इसको, तो उन्होंने हमको भी मारने लगे। कितने लोगों ने मारा? दो लोग। जी प्रियांशु जी, तो ये पूरा मामला है जो आज रात 9:30 के आसपास का बताया जा रहा है। शहर कोतवाली इलाके का मामला है, आनन फानन वहां पर पुलिस पहुंचती है और जो है जो इसमें जिला आरोपी है अनूप त्रिपाठी, इसे जो है पुलिस हिरासत में लिया जाता है। शहर कोतवाल जो अनूप शुक्ला है उन्होंने इस मामले में पुष्टि की है कि जो आरोपी अनूप कुमार त्रिपाठी हैं उनको हिरासत में लिया गया है। और यह भी जानकारी हुई है प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जो आरोपी शख्स है वह उस समय नशे में धुत था। जी प्रियांशु जी, अरुणेश, क्या कोई तहरीर जिला अस्पताल के जो सीएमएस है इंद्र सिंह द्वारा दी गई है और क्या कोई मुकदमा दर्ज किया गया है शहर कोतवाली पुलिस द्वारा? जी प्रियांशु जी, इस मामले में काफी खोजबीन के बाद कहीं से खबर निकल के आ रही है कि सीएमएस के द्वारा जो है तहरीर दी गई है, जबकि शहर कोतवाली पुलिस इस बात को नकार रही है कि अभी तहरीर नहीं मिली है। और छन छन के खबरें इस बात की यही पुष्ट कर रही हैं कि अभी तहरीर नहीं दी गई है। और आपको बता दें प्रियांशु जी, जो सीएमएस डॉक्टर इंदर सिंह हैं, काफी देर हो चुकी है, तो अब उनका जो फोन है वो भी ऑफ आ रहा है। जी अरुणेश, एक जानकारी ये मिल रही है कि जो अस्पताल कर्मी हैं उन्होंने जब तक कार्रवाई ना होने की दशा में हड़ताल की चेतावनी दी है, तो क्या अभी वो काम कर रहे हैं? क्या स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हैं जिला अस्पताल में? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें अस्पताल की इमरजेंसी कुछ देर के लिए वहां पर नाराजगी के चलते बंद की गई थी, लेकिन यह संभव नहीं है कि जिला अस्पताल जो मुख्यालय है, लगभग 45 लाख की आबादी का भार जो है जिस अस्पताल पर है, उसकी इमरजेंसी को बहुत देर तक नहीं बंद किया जा सकता, तो फिर वो तत्काल फिर चालू कर दी गई थी। जी बिल्कुल, तो ये सीतापुर के जिला चिकित्सालय से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि खैराबाद क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य अनूप कुमार त्रिपाठी एक मरीज को लेकर आया था और बताया जा रहा है कि वो मरीज एक्सीडेंटल था, मृत था, जिसके बाद उसकी जबकि शव को मर्चरी में रखने को लेकर वहां के जो वार्ड बॉय हैं पुनीत और कामरान, उससे इनकी कहासुनी हो गई और जो वहां के वार्ड बॉय हैं पुनीत और कामरान, इन्होंने आरोप लगाया है कि जो अनूप त्रिपाठी है वो नशे में धुत था और अपने साथियों संग उसकी मारपीट की, गला भी दबाया, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। और मौके पर आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, एडीएम नीतीश कुमार सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी भी पहुंचे हैं। मामले में शहर कोतवाली पुलिस द्वारा अनूप कुमार त्रिपाठी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है अनूप कुमार त्रिपाठी वो नशे में पूरी तरह से धुत है। इस मामले में जो सीएमएस है जिला अस्पताल के, उनका भी यही कहना है
की मारपीट की बात सामने आई है। फिलहाल अब देखना होगा कि शहर कोतवाली पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है, ये भी हम दर्शकों तक बताएंगे। फिलहाल काफी देर तक जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन अब स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हैं। हाँ, एक बात और अहम है कि अस्पताल के जो वार्ड बॉय हैं उन्होंने जरूर चेतावनी दी है कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल पर जाएंगे। ऐसे में 50 लाख की आबादी के भार वाले जो जिला अस्पताल पर भार है, अगर हड़ताल की कर्मियों ने तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अस्पताल प्रशासन के साथ और सीतापुर के जिले के लोगों को। फिलहाल अब इसमें देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है पुलिस द्वारा, यह देखने वाला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और मैं